दो दर्जन से ज़्यादा BDC पंच और सरपंच ने आज ज्वाइन किया है कलारस ब्लॉक से। तो कितने लोग हैं ये? मेरे ख्याल में कोई 30-35 के करीब ये टोटल है इनका, जिनने आज अपनी पार्टी ज्वाइन किया और हमने इनको दिल के नई ग्राहियों से अपनी पार्टी में आने के लिए वेलकम किया है और उम्मीद करते हैं कि इस परिवार का एक ये हिस्सा बन के अपना शानदार तरीके से काम करेंगे, लोगों के काम आ जाएंगे और जिसके लिए बने हैं चाहे BDC हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, हम सबों का मकसद एक ही होता है कि हम लोगों को राहत दिलाएं, लोगों के काम जो है इनमें जुट जाएं और अपनी पार्टी का सपोर्ट पूरा इनके साथ होगा और अपनी पार्टी के प्लेटफार्म पे लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही स्लोगन है कि लोगों की खिदमत करना हमारा नारा है। स्लोगन रही मानी हूँ सीनियर मोस्ट लीडर जम्मू कश्मीर की सियासत का, 96 से मैंने इलेक्शन फॉट किया है और आज तक 3 इलेक्शन मैंने फॉट किए हैं और नैरो मार्जिन से 200-300 वोट से हार गया हूँ। मैंने बहुत मुफ्ती साहब के साथ ज़माने कदीम से काम किया था, जब वो रहमतक हो गए तो मुझे अपनी सरबराही नज़र नहीं आई, वहाँ पे मैंने पार्टी को त्याग दे दिया। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस गया, उधर वही खानदानी राज चला जिसके लिए मैंने उनसे भी किनारा, क्योंकि जो DDC कैंडिडेट्स का मामला आया उसमें उन्होंने मुझे अकोमोडेट नहीं किया, उनने पोते का पोता कर दिया उधर अकोमोडेट, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी और मैंने अल्ताफ़ साहब का दामन इसकी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसलिए थाम लिया कि लोलाब बहुत दूर दराज इलाका है इस कश्मीर प्रोविंस में, उनके मसाइल हैं, उनके मुसीबतें, आज तक उनको लोगों ने वोट ले लिए मगर काम कुछ नहीं हो वहाँ पे, जीरो टॉलरेंस कर दी उधर। मैं इसीलिए पार्टी में काम कर रहा हूँ, मैं अब उम्र रसीदा भी हो चुका हूँ, 2-3 साल पता नहीं ज़िंदगी के कितने दिन हैं, मैं ये दिन पूरी तरीके से खर्च करना चाहता हूँ कि मेरे लोलाब के गरीब को अगर कोई मेरे से आसाइश आ जाए तो उसमें मेरे लिए अल्लाह भी राज़ी होगा और ज़मीन पर भी लोग भी राज़ी होंगे।